गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं देवभूमि उत्तराखंड से ममता रावत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आए हम कर्णाश्रम। ये मेरी दोस्त अनीता दीदी, देखा होगा आपने पिछले ब्लॉग में, बहुत शांत स्वभाव की, शर्मीली, दोस्ती करने लायक। आज मैं इसे यहाँ घुमाने ले आई। दिखाते हैं आपको कर्णाश्रम, दिखाते हैं आपको दोस्तों नदी कर्णाश्रम की। हम पाना कि देखिए दोस्तों, ये बड़ का पेड़ है और इधर होटल बने हैं और पूरा व्यू बहुत सुंदर व्यू है। और इधर लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, वो देखिए दोस्तों उधर से भी लोग हैं। आजा ओ, ऊपर आपको टॉप में दिख रहा होगा, वहाँ जाना हमने अभी। ये नदी बहुत सुंदर व्यू आ रहा है। आजकल यहाँ पर पानी कम हो रखा है, गर्मी ज़्यादा पड़ गई, इसलिए अब बरसात होगी तो नदी फुल पानी से चलेगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग भी रहते हैं थोड़ा थोड़ा, और यहाँ पर देखिए बच्चे नहाते हुए, पानी का आनंद लेते हुए नहा रहे हैं। नदी में कुछ खास पानी नहीं है इसलिए। और देखिए यहाँ पर मछली भी है, छोटी छोटी मछलियाँ हैं पानी में। आ जानता थी हेलो, यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे मकान हैं लोगों के, अब तो काफ़ी लोग बस गए लेकिन पहले नहीं थे इतने। और ये ऊपर पुल, देखिए दोस्तों यहाँ का व्यू, और चढ़ रहे हैं ऊपर कर्ण नगरी में। और यहाँ पर है नहर, सीधा जा रखे आगे, ये यहाँ का व्यू। चलते हैं अब ऊपर, थोड़ा सा चढ़ाइए उसके बाद दिखाते हैं आपको। और अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर कर्णाश्रम की ओर, ये बेचारी भी थक गई। हेलो, आज हम जा रहे हैं कर्णाश्रम। वो लाइक कमेंट और शेयर करें, आपको वीडियो अच्छा लगा। भी उच्च शिक्षा दी जाती थी यहाँ पर, ऋषि मुनि अपनी तपस्थली बनाते थे, ऋषि मुनि की तपस्थली थी यहाँ पर। यहाँ पर ऋषि मुनि साधना में लीन मोक्ष की प्राप्ति के लिए कठोर तप करते थे यहाँ पर। इधर देखिए और दोनों तरफ से नदी और ऊपर से व्यू। एकांत जगह में, शांत जगह में, बिल्कुल शांत। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत के नाम पर इनको जन्म हिमालय की घाटियों में भाबर के क्षेत्र में मालनी नदी के तट पर कर्णाश्रम में हुआ था।
और कर्णाश्रम को इसीलिए कर्णाश्रम कहा जाता है क्योंकि यहाँ कर्ण ऋषि की नगरी थी। ये देखिए दोस्तों, कर्ण ऋषि की नगरी। दिखाते हैं आपको, यहाँ पर हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत का भी जन्म हुआ था। ये देखिए, ये राजा दुष्यंत और भरत। दोस्तों इस पर ताला लग रखा है इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती, बाहर से ही आपको दिखाती हूँ। ये राजा दुष्यंत, दुष्यंत राजा और ये देखिए, और यहाँ का वातावरण देखिए, शुद्ध और शांत वातावरण। आम के पेड़, लीची के पेड़, अखोड़ के पेड़, बहुत सारे पेड़ लगा रखे यहाँ पे। और ठंडा इलाका, अमरूद के भी पेड़ हैं यहाँ पे। ये चक्रवर्ती भरत की जन्मस्थली, और इसी शेर के साथ बल भरत खेलते थे, इसीलिए इनकी छोटी सी प्रतिमा यहाँ पर भी बना रखी है शेरों के साथ खेलने का शौक था उन्हें भी बड़ा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ का सुंदर ठंडा मौसम। चक्रवर्ती सम्राट भारत की जन्म स्थली कर्णाश्रम। पूरा जंगल जंगल हो रखा है। और ये इनका पुराना मकान, कहा जाता है कि महर्षि कर्ण और दुष्यंत भरत सभी यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पुराने औजार वगैरह हैं, लेकिन शायद बंद हो रखा है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये खिड़की का रास्ता दिखाती मैं आपको, इनके रूम का नज़ारा। यहाँ पर तो कुछ है नहीं। पूरा टूट फूट गया, पर कहा जाता है पर यहीं पर रहते थे वो महाराजा दुष्यंत भरत। सब टूट गया यहाँ पर तो, पूरा मकान टूट गया। महर्षि कर्ण की देव स्थली भूमि। और ये अनिता दीदी नज़ारा लेते हुए क्या देख रही, तो यहीं पर हुआ हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के पुत्र भरत का जन्म। और देखिए आज क्या हाल हो रहा है यहीं के, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे जन्म स्थली के लिए तो थोड़ा बहुत सुधारीकरण होना चाहिए। गुरु स्वामी स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज जी की समाधि यहाँ पर लग गई। राम जी थक गई, थक लग गई, पसीना पसीना। ये देखो दोस्त, चलो अब घर चलते हैं, गर्मी के कारण कुछ नहीं हो पा रहा। वो तो पेड़ हो जैसे जरा ठंड भी नहीं ना। कहाँ गई तू? और अब यहाँ पर तो शांत है, शांत दोस्तों। आना कभी, देख के जाना। यहाँ पर कोटद्वार में स्थित 14 किलोमीटर कोटद्वार से दूर कर्णाश्रम भाबर क्षेत्र में। आजा, अब दिखाते हैं आपको नदी, थोड़ा इधर का इलाका। चढ़ाई बहुत है, चढ़ाई बहुत है।
ये देखिए दोस्तों रास्ता, अब हम दूसरे रास्ते आ गए, चढ़ाई वाले रास्ते नहीं आए हम। कैमरा हिल जाने यार, तब तक यहाँ पर पेड़ ही पेड़ हो रखे हैं, इसीलिए इधर थोड़ा ठंडा है। और हमारे कोटद्वार की तरफ तो बहुत गर्मी है, वहाँ पर पेड़ों की तो और देखिए दोस्तों ये है पुल, आ गए हम पुल में। और इधर नदी, नदी की ओर दिखाते हैं आपको नदी, वो थोड़ा थोड़ा दिख रही है यहाँ से, पर पानी तो है नहीं आजकल, सभी जगह सूखा पड़ गया, बारिश हो नहीं रही, फिर भी हम नदी जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आके, आपको भी आना हो तो आइए और यहाँ का आनंद उठाइए। पानी है नहीं है ये। ये यहाँ की नदी, ये देखिए लेकिन पानी बहुत कम हो रखा है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पे ठंडा पानी है और पाँव से हो गई गर्म, तो गरम कर अभी। अनीता मैडम अपने आप को पानी में ठंडा करते हुए हो ना, बिल्कुल भी नहीं आ रहा मजा पानी में। ये माँ क्या हम पानी कभी गंदू हूँ पागल, डर क्यों रही है जा रहे अंदर। आ गए दोस्तों हम यहाँ से, अबे पीना पैर से वक मंत्री, हाँ ठंड पर बोतल ले गए, वहाँ पे ठंडा पानी था हमने देखा ही नहीं, रास्ता तो कहीं था वाला रास्ता। और अब चले हम घर की ओर, और देखिए दोस्तों ये यहाँ छोटे छोटे से मकान, और ये अंता दीदी पानी पीते हुए, मैं तो लगे घाम तीस दिन लगी पर घाम लग गया, घाम धूप लग गई मेरे को। चल हाँ चलो, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर गौशाला आंटी लोगों की, और छोटी सी बाची ले, और इधर बड़ा प्यारा ही नज़ारा। आंटी लोगों से पूछा हमने और उनके छत में आ गए,
यहाँ पर लोगों ने लकड़ी स्टोर भी की हुई है ठंडियों के टाइम के लिए। ये देखिए प्यारी खड़ी हुई है, इसका परेशान कर दिया, घर चल घर चल घर चल। और यहाँ पर बहुत सारा पुदीना हो रखा है, हमने आंटी से पूछा थोड़ा, हम भी ले गए पुदीना, घर में काम आएगा कुछ। बारिश आने की संभावना लग रही है हमें तो। कि दोस्तों कर्ण नगरी का छोटा सा मार्केट दिखाते हैं आपको। दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।